السلام عليكم ورحمة الله شيخين. وعليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة وبركاته. الله. शेख, मेरा सवाल एक फैमिली रिलेटिव जो मेरा क्लोज है उसने एक एक्शन किया है उस पर है कि उसने सही किया गलत किया, उसको तौबा वाजिब है कि उस पर करके. शेख, मेरा फैमिली रिलेटिव है, वो एक गांव खेड़े में एक क्लिनिक चलाते हैं शेख, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक डॉक्टर हैं. और एक दिन एक नौजवान, एक 20-24 साल की लड़की जो उस गांव खेड़े की है, वो शहर में पढ़ती है शेख. वहां उसने जी जिना हो जी वहां उसने जिना करके प्रेग्नेंट हो गई और रोते हुए मेरे बाबा के पास आई शेख, कि अगर ये पता चलेंगे तो मेरे माँ बाप खुदकुशी कर लेंगे और मुझे भी मार देंगे, ऐसे बातें बोली उसने. तो मेरे बाबा ने डांट लगा के उसे एक गायनोकोलॉजिस्ट का नंबर दे दिया शेख, शहर में, शहर की. तो उस गायनोकोलॉजिस्ट ने उस प्रेगनेंसी को हटा दिया शेख. तो मेरे रिलेटिव ने क्या इस अमल पर क्या गुनाह कमाया है शेख, उसको करना नहीं चाहिए था क्या? जजाकल्लाह. बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर वो आदमी, उनको नहीं पता था कि ये जुर्म है हमारी शरीयत में, तो जाहिल जी आदमी पर तो गुनाह नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इस जमाने में किसी को नहीं पता है, पता होता है लोगों को। और ये तो बिल्कुल कानूनन भी जुर्म है। हमारे मुल्क के कानून में भी ये चीज जुर्म है, ना, एबॉर्शन करवाना। तो कम से कम उनको इतना तो पता ही रहा होगा अगर वो डॉक्टर हैं कि जो है कानूनन ये जुर्म है। तो बहरहाल अगर उनको शरीयत के हुक्म का इल्म नहीं है कोई गलती करते हुए, तो ऐसी सूरत में तो वो गुनहगार नहीं है, लेकिन कानून का मुजरिम है, उसने कानून की भी मुखालफत की है। तो ऐसा आदमी तौबा करेगा और आइंदा के लिए वो जो है इससे बाज रहने का अज़्म करेगा।